गाइस गरीना टीम की तरफ से अभी अभी जस्ट अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है फ्री फायर को बैन को लेकर, अनाउंसमेंट कर दिया है कि फ्री फायर बैन होगा नहीं होगा, फ्री फायर अपना प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है, फ्री फायर प्ले स्टोर पर से क्यों हटा दिया गया, ऐप स्टोर पर से क्यों हटा दिया गया, फ्री फायर में ऐसी क्यों प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है दो दिन से कि अपना फ्री फायर गेम को नहीं खेल पा रहे हैं, फ्री फायर में एरर प्रॉब्लम आ रही है और फ्री फायर को ये बैन को लेकर इतनी अफवाहें क्यों उड़ रही है। इस चीज के ऊपर खुला सा एकदम अनाउंसमेंट कर दिया गरीना वालों ने जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही किया है, तो तुरंत जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाकर आप लोग के तक जो पहुंचा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना, इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आलतू फालतू वीडियो देखने से अच्छा गाइस ये वाली वीडियो एंड तक देखो, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अपने फ्री फायर के संग सिस्टम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड यार बात कुछ ऐसी है, कल वाले दिन मॉर्निंग के टाइम से ही एक कुछ ग्लिच ऐसा हुआ था अपने फ्री फायर के अंदर कि वहां पर जो जितने भी एयरटेल यूजर्स हैं, मतलब कि जो एयरटेल का सिम को नेटवर्क को यूज करते हैं फ्री फायर गेम में, उनका फ्री फायर गेम ओपन नहीं हो रहा था। बाकी और जो जियो है बैसनल है वो लोग सिम को यूज करते थे गाइस, उनका फ्री फायर गेम चल रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ ग्लिच था कल वाले दिन। ठीक है तो गाइस ये ग्लिच क्यों था गाइस आप लोग को पता होगा, अभी महीना भर के अंदर ही अंदर 1 मंथ के अंदर ही अंदर गाइस बहुत सारे बंदों की आइडिया बैन करा दी गरीना वालों ने। क्यों कर दिए गाइस, वो लोग हैक को यूज करते थे उसको देखते हुए आइडिया बैन कर दी गई थी। तो वो सारे बंदों ने क्या कहा गाइस, गरीना को अप्लाई किया, बोला कि गाइस मैं अभी आगे से जो है फ्री फायर को जो है हैक को यूज नहीं करूंगा, मेरी आईडी वापस कर दो। तो गाइस उसको ही आईडी जब वो रिटर्न कर रहे थे, गरीना की टीम पूरी रिटर्न कर रही थी सारे बंदों की आईडिया, तो उस चीज को लेकर जो ग्लिच फैल गया था, बहुत बड़ा ग्लिच फैल गया था जिसको ये सारे लोगों को देखने को मिल रहा था, किसी का गेम ओपन हो रहा था किसी का गेम ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन गाइस टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस चीज का गरीना ने कल वाले दिन एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन भी दे दिया था। क्या सोल्यूशन था गाइस, वो मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली जाके गाइस, तो आपकी जो मतलब आईडी बैन हो गई थी गाइस, आपको अगर अभी तक आपकी आईडी वापस नहीं मिली है तो आपकी आईडी भी वापस हो जाएगी, सारी वीडियो जाकर देख लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप लोग को एरर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आपका फ्री फायर गेम ओपन नहीं हो रहा है, तो गाइस तो भी आप लोग ये वाली वीडियो जाकर देख लो, सेपरेट वीडियो है। आप लोग अगर ये वीडियो एंड तक देख ले तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी आईडी भी वापस मिल जाएगी। चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐप स्टोर पर से एंड प्ले स्टोर पर से गाइस फ्री फायर को क्यों रिमूव किया गया है वहाँ पर से, मतलब कि फ्री फायर गेम को वहाँ पर से प्ले स्टोर से क्यों हटा दिया गया। तो गाइस देखो गरीना वालों की तरफ से इसका मानना तो ये है कि जो मतलब कि पबजी वाले हैं, आप लोग को पता होगा पबजी वालों ने एक केस कर रखा था काफी टाइम पहले, उन्हीं ने बोल रखा था कि फ्री फायर जो गेम है वो हमारा कॉपी है, हमारा पबजी का कॉपी है। ठीक है गाइस, इस चीज पर केस काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन गाइस एक केस और ठोक दिया है किसके ऊपर, प्ले स्टोर पर एंड गूगल ऐप स्टोर पर भी केस जो है ठोक दिया है, मतलब कि केस कर दिया है ऐप स्टोर पर और प्ले स्टोर पर केस इसलिए कर दिया है क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जब फ्री फायर हमारा पबजी का कॉपी है तो आप लोग उस फ्री फायर ऐप को क्यों अपनी कंपनी से बेच रहे हो, मतलब कि अपने क्यों प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा रहे हो। तो इसलिए उन दोनों वेबसाइट पर भी जो है एप्पल स्टोर एंड प्ले स्टोर पर दोनों पर केस कर दिया है पबजी वालों ने। बट अपने फ्री फायर गरीना टीम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रही है कि जो मतलब कि हमारा फ्री फायर जो गेम है वो पबजी का कॉपी है, और बिल्कुल सही है भाई, हमारा जो फ्री फायर गेम है गाइस ये बिल्कुल भी कॉपी नहीं है पबजी वालों का, क्योंकि गाइस जो हमारा जो गेम है ये एक बैटल गेम है, मतलब कि इस गेम की तो यार थीम ही यही होती है कि मतलब कि बंदूकें वगैरह होना और एयर ड्रॉप आना, कार वगैरह, एमओ वगैरह, ग्राउंड वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, गाइस ये तो एक थीम होती है हमारे बैटल ग्राउंड गेम की। ठीक है, उनकी भी थीम है पबजी और फ्री फायर, दोनों एक ही थीम पर बेस्ड है गाइस, तो यार दोनों चीजें सेम तो होंगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पबजी का कॉपी है अपना फ्री फायर, गाइस कॉपी नहीं है अपना फ्री फायर पबजी वालों का, और गरीना भी ये मानने को तैयार नहीं हो रही है। बट गाइस यहाँ पर देखो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर जो है वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते यहाँ पर, इसलिए शायद से उन्होंने अपने ऐप स्टोर पर से शायद प्ले स्टोर पर से फ्री फायर गेम को रिमूव कर दिया है। बाकी देखो ये मानना मेरा है, ठीक है ये मानना मेरा है, इस यही सोचकर उन्होंने रिमूव कर दिया ताकि वो सोचते दो कंपनी के बीच में हम क्यों बीच में पड़े, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए जो है अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर से रिमूव कर दिया फ्री फायर को। वो ये सोचते होंगे कि जब इन लोग का मामला जब सही हो जाएगा, डील फिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद हम अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर फ्री फायर को फिर से वापस ले आएंगे। और बाकी इसके अलावा गाइस सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक जो है इस चीज को अपने हद में अपने हाथ में नहीं लिया है कि फ्री फायर को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर फ्री फायर पर जियो वालों का कॉपी है नहीं है, इस चीज को भी अपने हद में नहीं लिया है, मतलब ये कानून भी अभी बीच में नहीं पड़ा है, दोनों कंपनियां ही आपसी में मतलब की जो है बातचीत हो रही है अभी। बाकी इसके आगे की क्या अपडेट आती है गाइस, जैसी अपडेट आती है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर से बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, आप लोग को लाल वाला बटन नीचे दिख रहा होगा गाइस उसको दबाओ, एंड एक घंटी आई गाइस उसको दबा लेना, जैसे उसको आप लोग ऑल पे सेट कर देते हो गाइस, मैं जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो आती है, कोई नेक्स्ट अपडेट आता है गाइस, नेक्स्ट वीडियो बनाकर गाइस उसके ऊपर मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट एंड न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।